दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे हो तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है क्योंकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाद लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन सीरीज बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनी गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसकी दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित सेट्टी और रिलायंस से एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तो रोहित सेट्टी और एक सुसवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस लिडका के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सैटी श्वेता तिवारी विवेक ओवरियोय निकेतन देहर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरसद अब्बास शरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सोरी वन से बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिक कॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बदलती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन है दिल्ली में वो भी सीरियर ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि वो एक बरी की, की एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सण के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर करके नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि शिल्पा साटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉक पॉजिब में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ है और उनमें अपने अपने काम करने के स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्ट्यून भी ज़्यादा जो है वो कुछ किसी पीटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक दूसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइफ हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर यार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सबकी अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके दोस्त एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, 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 एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर दीजिए या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो है वो एक दो एपिसोड देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते आ रहे होंगे तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारक्राफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाद लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसकी दूसरे सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित सैट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार, बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो हैं एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरसद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मोड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो कि सद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप एलिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित साधे की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीजें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप रहे हैं ग्यारह में आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन है वो दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एक ऑबरिये एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर, कर के नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि शिवपा साटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिस पिटेप बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक, एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब क्या अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार अपने दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा इसे कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो है वो इन दो एपिसोड ते के फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसकी दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये एक वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ऑबरियोय निकतित देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बौगालिक ऑफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो अक्सर होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चाटी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बदलती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साठी यानी कि सरपा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉक पॉजिब में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टर्लिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ किसी भी बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सबकी अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख में जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर दीजिए या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो इन दो अपीसोड फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते आ रहे होगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की ही प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा है, इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्गे सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियोय निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video भी देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीजें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो दिल्ली में वो भी सीर ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि यू एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बम निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सण के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर, कर के, नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पर आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिब में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके दोस्त एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार है और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया गया है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, 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 एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये वो इन दो अभी देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी चाहें अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारक्राफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते हैं सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है जो कि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित सेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्त सेट्डी और एक सुसवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिविद मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बौगालिक ऑफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चाटी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बदलती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें घर में आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर कर के नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पर आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिम में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टाइलिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला कर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर क्यार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो पर है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, 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 एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो है एपिसोड देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकास्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शैटी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये उनका वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओवरियो निकतित देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शर्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बौगालिक कॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मोड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फॉर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बदलती है, है। उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक एक अबरू की एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि शिल्पा चाटी आती है और वे एकदम नाइनटीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉक पॉजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टर्लिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ किसी भी बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जगह से देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया गया है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर दीजिए या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो इन दो एपीशोडो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा है, इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेज़न प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्गे सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस लड़का के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियोय निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मोड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बताती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लॉन ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक वे ऑबरी एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि शुरपा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग बजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने के स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला अगर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सबकी अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार है और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया गया है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट है वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये इन दो अभी देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदर लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्गे सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियोय निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बौगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स हो जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चार्टी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीजें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि यू एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सण के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर, कर के, नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की बिल्मायलग पॉजिब में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टर्निंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला कर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख में जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट है वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये वो इन दो अभी देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारक्राफ्ट भी देखने को मिलते हैं चलिए जानते हैं सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है जो कि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा पर मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्त सेट्डी और एक सुसवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एशा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्य वंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बदलती है, है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पर आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिब में आपको बताया जाता है एक तारा और विक्रम टैलिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला कर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके दोस्त एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार अपने लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर यह जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, एक, एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये दो एपिसोड छोटो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाएँ अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकास्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये एक वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओवरियोय निकतित देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है एंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित जाटी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बदलती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन और दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि वे अबरू की, की एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साठी यानी कि सूर्पा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पर्जी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जगह से देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी संदर्भ लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया गया है मतलब कि आप बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, 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 एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर दीजिए या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो इन दो तो अभी छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते आ रहे हो तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकास्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की ही प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये एक वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्गे सेट्डी और एक सुस्वंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस लड़का के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुर्सद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म से बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिक ऑप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो अक्सर होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीरियल सीर ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक एक ऑबर युग एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर करके नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साठी यानी कि सिरपा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पाजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने के स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइफ हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सबकी अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख में जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये वो इन दो अभी देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारक्राफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शैटी की प्योर सीरीज़ है जो कि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाद लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा पर मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित सेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिक कॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मोड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चाटी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बम निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सण के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर, कर के नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिब में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टर्निंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला कर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये दो तो अभी छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टार कास्ट भी देखने को मिलते हैं चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है जो कि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा है, इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ऑबरियोय निकतित देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरसद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बौगालिक ऑफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मोड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फॉर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चाटी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बताती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमोबोर्ड निपटा गया हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पर आती है और वे एकदम नाइन्टीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉक पॉजिम में आपको बताया जाता है एक तारा और विक्रम टैलिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्ट्यून भी ज्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला अगर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सबकी अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया गया है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, 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 एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो एंड दो तो अभी छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकास्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते हैं सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की ही प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो ये मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये एक वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्गी सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस रिल के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओवरियोय निकतित देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है एंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित जाटी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बदलती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि वे अबरू की एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साठी यानी कि सिर्पा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पशी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टर्लिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने के स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइफ हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला अगर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जगह इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट है वो कट कर दीजिए या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो इन दो तो अभी छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते आ रहे हो तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते हैं सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की ही प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा पर मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो ये मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्गेज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओवरियोय निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिक कॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीर ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक एक ऑबरियुई की एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर करके नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि शिल्पा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग बजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने के स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार है और बहुत सारी संदर्भ लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफी अच्छी है पर जो पर लग है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, 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 एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट है वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो है वो इन दो अभी देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टार कास्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की ही प्योर सीरीज़ है जो कि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा है, इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरे सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित सेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये एक वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्त सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मोड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चाटी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बताती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीरियर ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमोबोर्ड निपटा गया हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर करके करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पर आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिब में आपको बताया जाता है एक तारा और विक्रम टाइलिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टीन भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों क्या अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार शानदर्भ दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो लगे लगे है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये दो तो अभी छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाएँ अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदर लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसकी दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये एक वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्वी सेट्डी और एक सुस्वंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ऑबरियोय निकतित देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहे तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बौगालिक ऑफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो अक्सर होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बदलती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साठी यानी कि सिल्पा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉक पॉजिम में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टर्लिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ किसी भी बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सबकी अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो ये पर वो ये लग है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, एक, एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर दीजिए या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो इन दो तो अपीसोडो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते हैं सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शैटी की ही प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो ये मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ग सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओवरियोय निकतित देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फॉर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित जाटी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीजें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन इंजिन दिल्ली में वो भी सीर ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक वे ऑबरी एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साठी यानी कि सिर्पा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग बजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला अगर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब यह आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट है वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो इन दो तो एपीशोडो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते आ रहे हो तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकास्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की ही प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा है, इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्गित सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियोय निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video भी देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चार्टी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीजें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे ये तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीर ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमोबो निकटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर, कर के, नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिब में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला कर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सबकी अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनके दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार है और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा लगे कि इसे लंबाया गया है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, 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 एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो है इन दो तो एपिसोड छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारक्राफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते हैं सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है जो कि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित सेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्त सेट्डी और एक सुसवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिविद मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बौगालिक ऑफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्य वंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चाटी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बदलती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर कर के नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सी पर आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिब में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टाइलिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला कर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार है और बहुत सारी संदर्भ लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो है तो अभी छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शैटी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओवरियो निकतित देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शर्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बौगालिक कॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फॉर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बदलती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक एक अबरू की एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि शिल्पा चाटी आती है और वे एकदम नाइनटीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉक पॉजिब में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ किसी भी बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया गया है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, 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 एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर दीजिए या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो इन दो तो एपीशोडो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा है, इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेज़न प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस लड़का के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियोय निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद अच्छा तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद अच्छा तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बताती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप पड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक वे ऑबरी एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर करके नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि शुरपा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग बजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने के स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं ये सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया गया है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट है वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये इन दो अभी देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकास्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदर लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजिनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुशवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुर्सद अब्बास शरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल YouTube पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शेट्टी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिक ऑफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स हो जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित चाटी के पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीजें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन है दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमोबोर्ड निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सण के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर, कर के, नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पर आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिटि में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टर्निंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला कर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे गिरा सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर ये जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये वो इन दो अभी देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होंगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारक्राफ्ट भी देखने को मिलते हैं चलिए जानते हैं सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होंगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शैटी की प्योर सीरीज़ है जो कि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये का वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्त सेट्डी और एक सुसवंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियो निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फ़िलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉफ सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फॉर्स तक आते आते लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तक बदलती है, है। उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जाँच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्य पर आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पॉजिब में आपको बताया जाता है एक तारा और विक्रम टैलिंग साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे पिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला कर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब क्या बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक, एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये दो अभी छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेजन प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित चाटी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज़ लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकास्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाद लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा है, इसका अभी सिर्फ़ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दो सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर ख़ैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये एक वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्ज सेट्डी और एक सुस्वंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इसके इस कास्ट के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा एसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओवरियोय निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास सरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिकॉप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफानी तो एक्शन होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मूड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट है और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता देते हैं और ऐसा लगता है कि बाकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है एंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित शेट्टी की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बदलती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजिन ग्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि वे अबरू की, की एंड्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद करके कर नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि सूर्पा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज़ के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पर्जी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने की स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइप हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिला अगर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था था भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खार पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी सुंदर लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया गया है मतलब कि आप बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देखने जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर दीजिए या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो इन दो अभी छोड़ो देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को जरूर देखिए दोस्तों अगर आप लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते आ रहे होगे तो रोहित शेट्टी को जानती होगी जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं पर अभी उन्होंने एक ऐसी कमाल की सीरीज लॉन्च की है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है और जो ऑडियंस है इनको ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्टारकाफ्ट भी देखने को मिलता है चलिए जानते इस सीरीज़ के बारे में और कहाँ पर ही हिंदी में आपको देखने को मिलेंगी कहानी क्या है और कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में जो आपको पता नहीं होगे दोस्तों इस सीरीज़ का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये एक रोहित शेट्टी की ही प्योर सीरीज़ है चूँकि आप इस ट्रेलर जो आया है वो देख लेंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा तो दरअसल एक एक्शन एक सीरीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर बनाई गई है इसकी जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी निकाल के आई है क्योंकि जो आई एम डी बी है वहाँ पर दस में से साढ़े सात की रेटिंग इस मूवी को अभी तक मिली हुई है इसके अलावा इसका अभी सिर्फ एक ही सीज़न आया है और हो सकता है आने वाले समय में आपको इसके दूसरी सीज़न देखने को मिले इस मूवी के अभी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं अच्छी नहीं है पर खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए दूसरे के रिव्यू पर या फिर दूसरे की पसंद पर भरोसा मत कीजिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपको मूवी के बारे में बता दूंगा फिर आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको इसे देखना है या नहीं इसके प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी और रिलायंस एंटरटेनमेंट ही रहे थे और फिर बाद में अमेजोन प्राइम वीडियो ने जो है इसे परचेस किया और ये अमेजोन प्राइम की तरफ से आने वाली एक औरिजनल वेब सीरीज़ है पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बार बार जो है मूवी का नाम ले रहा हूँ तो आप मूवी मत समझिएगा ये एक वेब सीरीज़ है इसके डायरेक्टर दो है एक तुर्गे सेट्डी और एक सुस्वंत प्रकाश चलिए बात करते हैं इस लड़का के बारे में और स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा तलवार शिल्पा सेट्डी श्वेता तिवारी विवेक ओबरियोय निकतन देर क्रांतिवीर मल्होत्रा नुरशद अब्बास शरद खेलकर मुकेश ऋषि सोनिया प्रजापत ऐसे आपको बहुत सारे किरदार इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं सभी कलाकारों ने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है और अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा है तो मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए ये आपको पसंद आ सकती है फिलहाल ये यूट्यूब पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं पर फ़िलहाल ये सीरीज़ दोस्तों काफ़ी सारे जो अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अवेलेबल है आप चाहें तो देख सकते हैं मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की पसंद रहेंगी जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं रोहित शाटी की पिछली फिल्म सूर्यवंशी बहुत से लोगों को बहुत ही लंबी लगी थी और अक्षय कुमार की फिल्म में रोहित के पिछले बोगालिक ऑप सिंगम और सिम्बा की एंट्री से पहले मामला बहुत सुस्त लग रहा था तूफान तो अक्सर होने के बावजूद भी लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स देखने के बाद आपको सूर्यवंशी अच्छी लगने लगेंगी क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि रोहित मूड में आ जाए तो किस हद तक बोर कर सकते हैं और वहीं अगर वो मोड अच्छा हो तो किस हद तक हमें जो है एक्शन वाले सीन दिखा सकते हैं रोहित का कॉप यूनिवर्स हो जो कि एक इंटरनेशनल होने की तमन्ना है कोलाचे भर रहा है और इंडियन पुलिस फोर्स तक आते आते हैं लॉजिक से परे जा चुके हैं सिंगम सिम्बा और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों की आलोचना में अब तक एक बड़ा पॉइंट थे और रोहित शेट्टी अपने हीरो को वन मैन आर्मी बता लेते हैं और ऐसा लगता है कि बाइकी फोर्स बस खड़े रहने के लिए है इंडियन पुलिस फोर्स में मामला उल्टा है एक हीरो की बजाय पुलिस फोर्स में काम को ट्रिप्यूट देने के की कोशिश की जाती है लेकिन रोहित की पुलिस फोर्स जिस तरह से लॉजिक को तका बताती है चीज़ें कर रही होती है उससे अच्छा यही था कि वो चुपचाप खड़े रहें यार मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा ठीक से पर अगर आप इस इसका पहला एपिसोड देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे तो शो का जो इंजन है वो दिल्ली में वो भी सीरियल ब्लम ब्लास्ट की स्टार्ट होती है दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप कबीर मलिक यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके सीनियर विक्रम बक्सी यानी कि विवेक एक ऑबर युग एंट्री लेते हैं और दो जगह मिले तो जिंदा बमों को निपटा रहे हैं और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पारी पारंपरिक उत्सणा के साथ जांच शुरू होती है इसके अंदर आपको और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है जैसे कि दिल्ली पुलिस की मदद कर करके नहीं करने के बाद जो गुजरात पुलिस है उनके स्पेशल सेल के एक ऑफिसर तारा साटी यानी कि शिरपा चाटी आती है और वे एकदम नाइन्टीज के स्टाइल की फिल्मों की तरह डायलॉग पाजी में आपको बताया जाता है कि तारा और विक्रम टैलिंग के साथ थे और उनमें अपने अपने काम करने के स्टाइल को लेकर एक तनहानी रहती है जिसे स्टून भी ज़्यादा जो है वो कुछ घिसे फिटे बातचीत के स्टाइल में दिखाया जाता है इसके साथ एक तीसरा भी आदमी है जिसकी एंट्री कहानी में बहुत ही बात होती है और आपको समझ नहीं आएगा कि इस किरदार का क्या यहाँ पर हाइफ हो रहा था ब्लास्ट के मास्टर को पकड़ने निकलते हैं और कैसे उसे पकड़ते हैं यह सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर आगे देखने को मिलता है तो कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप इसे कह सकते हैं या फिर नहीं वो तो आप जब इसे देखेंगे आप समझ जाएंगे वैसे दोस्तों मैंने इसे बहुत टाइम पहले मतलब देखा था जब था 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 भी आई थी तभी और मुझे एक एवरेज लगी है पर खैर पसंद जो दोस्ती दोस्तों सब की अलग होती है इसलिए आप इसे खुद देखिए आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है उनकी दोस्तों एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की है वो एक अच्छी अदाकार हैं और बहुत सारी शानदार लोग दे चुके हैं पर इसकी जो स्टोरी वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है पर जो ये जो लग है कुछ जगह पर आपको ऐसा लगने लगेगा कि इसे लंबाया बिना है मतलब कि बोर हो सकते हैं इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप एक एक एपिसोड देख लीजिएगा ताकि दोस्तों आप जो है ज़्यादा बोर ना हो अगर आप एक साथ देख में जाएंगे तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ या फिर आप कुछ जो पार्ट वो कट कर देंगे या फिर कुछ एपिसोड भी आप कट कर सकते हैं ऐसा हो सकता है इसलिए आप इसे जो ये वो इन दो अभी देखिए फिर बाद में दूसरे को देखिए तो ये आपको अच्छी लग सकती है अगर आप लोग इसे देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप देख चुके हैं तो आप मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको आखिरकार कैसे लगी थी तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगेंगी तो अभी जाए अमेज़न प्राइम वीडियो पर वहाँ पर जाकर आप इस कमाल की वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिए